हेलो फ्रेंड्स, वेज फ्राई किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको आलू गोभी की रेस्टोरेंट वाली सब्ज़ी बताने जा रही हूँ। तो इसके पहले आपने अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ये देख लीजिए जो मैंने सामान लिया है। ये देखिए, मैंने 1 किलो के करीब ये गोभी ली है। ये मैंने 2-3 जो है आलू लिए हैं। ये करी पत्ता है, हरा मिर्च है, लहसुन है, 1 अदरक का टुकड़ा है, ये 3-4 प्याज हैं, 5 टमाटर हैं, धनिया है, ये गरम मसाले मिक्स हैं और ये लाल मिर्च है, मेथी दाना है, गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी, नमक। तो चलिए हम पहले आलू को फ्राई कर लेंगे, फिर गोभी को फ्राई करेंगे। तो देखिए, हम गैस पे कढ़ाई को रख दिए हैं, तेल इसमें डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू को डाल के फ्राई करेंगे। पहले हमारा आलू फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें गोभी फ्राई करेंगे। ये आलू हमारे ब्राउन होने तक हमें इसे तलना है। अभी हमारे आलू देखिए ब्राउन होने लगे हैं, पूरी तरह से ब्राउन हो जाए फिर हम इसको निकालेंगे। अब हमें ये आलू जो है निकाल लेना है। अब ये ब्राउन कलर हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी एकदम मैंने तल लिया है। ऐसे ही आपको भी तलना है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, इतना ज़्यादा मैंने इसको तला है। अब मैं इसी में गोभी को फ्राई कर लूँगी। ऐसे बड़े बड़े स्लाइस में गोभी भी काटना है। हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। ऐसे बड़े बड़े स्लाइस में अगर काटेंगे बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होगी। इसको भी ऐसे चला के ऐसे छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये भी जब तक ब्राउन कलर ना हो जाए इसको भी ऐसे तलेंगे। हमारी गोभी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, हम अब इसको निकाल लेंगे गोभी को। अब इसके बाद हम दूसरी कढ़ाई में सब्जी को बनाएंगे। आप चाहे इसी कढ़ाई में बना सकते हैं, मैं दूसरी कढ़ाई में इसको बनाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ ही तला है। आपको बिल्कुल ऐसे ब्राउन कलर ऐसे तलना है। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जो मैंने लाल मिर्च लिया था ये मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद ये मेथी भी इसी के संग इसमें ऐड कर दूंगी। अभी मेथी हमारी चटक जाए फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये देखिए ये हमारा चटक चुका है मेथी, अब इसमें लहसुन डालेंगे, ये कड़ी पत्ता, उसी के संग हम ये प्याज ऐड कर देंगे। इसी के संग हमें ये प्याज भी ऐड करना है। पूरी प्याज मैंने डाल दिया है। अब जब प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। ऐसे हमें प्याज हमारा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम वो जो कटे हुए टमाटर है उसको डाल के भूनेंगे। अभी प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है तो इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर भी हमारा गल जाए अच्छी तरह से। टमाटर हमारा अच्छी तरह से जब गल जाएगा तब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। तब तक हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे।
ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। दो मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम देखेंगे कि टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल गए हैं। अब हम सारे मसालों को ऐड कर देंगे। ये अदरक जो मैंने क्रश किया है और ये गरम मसाला इसको भी क्रश किया है, इसी के संग इसको भी डाल देंगे। और ये नमक हम थोड़ा इसी के संग डाल रहे हैं। आप भी अपने स्वाद के अनुसार ऐसे डालिएगा। अब मसालों को हम थोड़ा भून लेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से भून जाएंगे तब हम उसमें पानी, हमारे मसाले हो चुके हैं, अब हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक गिलास से, छोटे गिलास से। अब इसी के संग हमें सब्जियों को ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। थोड़ी देर इसको कवर कर देना है, 5 मिनट के लिए कवर करूंगी मैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी है। अभी हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ये धनिया डाल देंगे। धनिया डालने के बाद अब हम गैस को ऑफ करेंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार है।